सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। ये पाठ का नाम है संज्ञा तथा उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा देखना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति, अब देखिए संज्ञा बॉयज अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, नाउन, है कि नहीं? अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हाँ गुड, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है हर किसी ना किसी जो भी हमें वस्तु दिखती है, चीज दिखती है, उसका नाम है बॉयज। आप जहां भी बैठे आसपास जरा नजर घुमा के देख लीजिए, मतलब ऐसा जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई नाम है। दिखाई दे रही है क्या, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपके आसपास? मुझे फैन दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है, चेयर, लाइट दिखाई दे रही है, मिश्रा सर दिखाई दे रहे हैं, फैन दिखाई दे रहा है, बोर्ड है, पेन है, अरे सबके नाम ही है। मतलब मुझे जो भी दिखाई देता है उसका कोई ना कोई नाम है, है कि नहीं? हाँ सर। तो सब अगर नाम है तो ये कौन है? सारी संज्ञा है, है कि नहीं? ये कौन है? सारी संज्ञा है। इनका किस कोई ना कोई तो नाम है। जो भी चीज हमें दिखाई देती है उसका नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं? मतलब व्यक्ति दिखाई दिया, जैसे अभी बोलो मैंने कि मिश्रा सर मेरे सामने बैठे हुए, मिश्रा सर व्यक्ति है। मैं आपके सामने खड़ा हूं अर्जुन सर, व्यक्ति है। मतलब मेरा तो कोई तो नाम होगा ना, क्या नाम है मेरा? हाँ अर्जुन तुकाराम लाड। ओके अर्जुन तुकाराम लाड। उसके बाद प्रियम का नाम है, हफीजुर का नाम है, नीलाक्षी का नाम है, तो कोई ना कोई नाम है। देखिए वस्तु का नाम है, आपके पास टेबल है, कुर्सी है, कुछ ना कुछ तो वस्तु है आपके पास है, तो वस्तु का नाम है। कोई ना कोई तो वस्तु का नाम है। बस स्थान, बस स्टैंड है, एक स्थान है, बगीचा है, स्थान है, किसी शहर का नाम स्थान है, है कि नहीं? भाव, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, दिखाई नहीं देता ये, लेकिन महसूस किया जाता है इससे, वाह कितना सुंदर है, है कि नहीं? उसको मतलब ये सुंदरता हम महसूस करते तब कहते कि सुंदर है कि नहीं? मैं बहुत आज कल मैं खुशी से जिंदगी जी रहा हूं, खुशी से। अब देखिए तो ये पुस्तक है, सर्वोग है, सर्वोग जगह का नाम है, अंबजोग है मेरे गांव का नाम है, सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ऐसे मतलब पर्याय आपके पास दिए जाते हैं, तो आपको ये पर्याय पहचानने के लिए आने चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहम, यश, देव, पुस्तक, सर्वोग, अंबजोगाई, सुंदरता। तो ये, अरे मासूद है क्या आज के क्लास में? मासूद क्लास में है क्या? सर मुस्तक क्लास में है क्या? सर हो ज्वाइन होने के लिए बोल दीजिए। ओके पर संज्ञा के भेद है, संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के भेद कौन कौन से है? एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखना है संज्ञा के भेद, हो सके तो आप लिख लो, नहीं तो आपके पास मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट मार के लीजिए।
संजय के भेद यस सर आपको मोबाइल में या व्हाट्सएप में भेज दिया हूं समझ लेते हो उसको घर पे रजिस्टर कर सकते हो ओके तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा अभी इनके बारे में विस्तार से जानकारी हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा आप कहेंगे कि बच्चे सर ये हमें तो तीन ही संज्ञा पता है यहाँ तो पांच दी रही है अरे बॉयज ये जातिवाचक संज्ञा से ही हमने समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को अलग कर दिया इसीलिए दो बढ़ गए यहाँ पहले तीन ही बच्चे थे फिर से दो बच्चे बढ़ गए कुल मिलाकर पांच हो गए और संज्ञा के कितने बच्चे हो गए फिर पांच व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा अब देखिए तो हम एक एक करके देख सकते हैं इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा बॉय जिसे जरा ध्यान रखिए जो संज्ञा है मतलब जो नाम किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति जो नाम किसी स्पेशल विशेष मतलब स्पेशल जो नाम मतलब संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध करती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं आप देखिए जैसे आगरा जयपुर सोहम रमेश गंगा ताजमहल तुलसीदास प्रियम नीलाक्षी दीक्षिता शाहनाज प्रवीण और पुणे हमारे इधर क्लास में हफीजूर ये क्या है ना व्यक्ति विशेष के नाम है बच्चों आपका खुद का भी नाम व्यक्ति विशेष में आता है मतलब यहाँ हफीजूर मतलब हफीजूर और यहाँ प्रियम मतलब प्रियम है क्या नहीं तो ये व्यक्ति विशेष में आता है जैसे प्रियम के गांव का नाम अगर ले लिया मैंने कि क्या भवानीपुर तो ये भवानीपुर ये स्पेशल नाम हो गया ठीक है नहीं उसमें क्या बरपेटा स्पेशल नाम हो गया बरपेटा रोड मतलब रोड स्पेशल नाम हो गया क्योंकि यह स्थान विशेष है गुवाहाटी ये स्पेशल नाम हो गया दिल्ली ये स्पेशल नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक नाम है याद रखो बॉयज जैसे आगरा है जयपुर है सोम है रमेश है गंगा है ताजमहल है तुलसीदास है ये क्या कर देते हैं तुलसीदास मतलब तुलसीदास का ही यहाँ बोध हो जाएगा ताजमहल मतलब ताजमहल का ही जिक्र यहाँ आएगा प्रियम मतलब प्रियम का नीलाक्षी मतलब नीलाक्षी दीक्षिता मतलब दीक्षिता ये नाम आ जाएंगे तो ये व्यक्तिवाचक नाम आ जाते किसी भी स्पेशल व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है एज़ राइट समझ में आ रहा है क्या बॉयज आपको मतलब व्यक्तिवाचक नाम पता होगा जैसे मीना सर है तो मीना सर नाम व्यक्तिवाचक ही है नहीं मीना सर और हो सकते ना सिद्धार्थ मीना ये व्यक्तिवाचक आ जाएगा लेकिन मीना सर बोलने से बहुत सारे मीना सर हो सकते हैं ये जातिवाचक में जाएगा इसीलिए सिद्धार्थ मीना ये नाम क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक अर्जुन लाड लेकिन लाड सर बोलने से लाड नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन अर्जुन लाड बोलने से व्यक्तिवाचक में आ जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं चलो जातिवाचक संज्ञा आप देखना थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा आपको क्या होगा थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा जिन संज्ञाओं से या जिन नाम से एक जाति आदि एक वर्ग एक समूह मतलब ग्रुप है क्या नहीं वर्ग मतलब कक्षा देखिए पूरी कक्षा के सब पदार्थ या व्यक्तियों का बोध होता है सब पदार्थ या व्यक्तियों का बोध आप देखिए बच्चों आप मुझे बताइए एक जाति अब देखिए पुरुष और स्त्री ये यहां मनुष्य की दो मुख्य जातियां हैं एक पुरुष जाति एक स्त्री जाति अब देखिए पुरुष बोल दिया तो सारे पुरुषों का नेतृत्व ये शब्द कर रहा है सभी पुरुष आ गए इसमें
स्त्री बोल दिया तो सारी स्त्रियों का नेतृत्व शब्द कर रहा है, एक मतलब ये जातिवाचक है, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, किसी एक व्यक्ति का नाम अगर लेते हैं हम, ये मनुष्य है, ये देखिए मनुष्य, इसमें सारे मनुष्य आ जाएंगे, है क्या नहीं? लेकिन यहां अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, सपोज मेरा ही नाम लेता हूं, लेकिन ये मेरा नाम अगर ले लिया यहां, तो यहां क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, है कि नहीं? और ये मनुष्य जातिवाचक में जाएगा। कैसे? आप उदाहरण में देते हैं हम थोड़ा सा, बच्चे थोड़ा, ये कोई ज्वाइन हो रहा है, इसको मैं जरा वापस लेता हूं। हेलो बॉयज। यस सर। यस सर। अनवर ज्वाइन हो रहा है, जैस्मिना ज्वाइन हो रही है। आज के बाद जो ज्वाइन नहीं होते बच्चे, उन बच्चों के नाम प्रिंसिपल सर के पास जाने वाले हैं, याद रखो। जो बच्चा क्लास में ज्वाइन नहीं होता है, उन बच्चों के नाम सर के पास भेज रहा हूं, इसलिए मैंने नाम लिख कर लिए आज। देखिए, अगर कोई मेरे क्लास में इनके अलावा ज्वाइन है तो बता दीजिए मुझे। ये देखिए चाइना प्रवीण, उसके बाद प्रियम, सुभजीत राय, जकरिया, ये दो रेकी बोल, बाद में जेरिपा अख्तर, इमेंद्राज माउली, बाद में यहाँ कौन है, हफीजुर रहमान, उसके बाद नीलाक्षी दीक्षिता, और कौन कौन ज्वाइन है इसके अलावा, कौन ज्वाइन है बताओ मुझे। सर मुजाहिर मुश्ताक। सर मासूद, मुजारुल मुश्ताक, महमूदुल। और कौन है? मुजारुल। और सर अनवर है सर। अनवर, 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 और सर निकिता बच्चा है। निकिता। और कौन है? सर शुभजीत रॉय। शुभजीत रॉय तो हो गया, ले लिया उसका नाम। तो इसके अलावा बच्चे अगर ज्वाइन नहीं होते तो मुझे सर के पास उनका, ये भी हो गए। जेरिपा अख्तर, जैस्मिना खातून ज्वाइन थी ना, जैस्मिना, हाँ सर अभी ज्वाइन है सर। ज्वाइन है लेकिन है क्या नहीं, जैस्मिना इधर है क्या नहीं? जी सर है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। तो ये जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे हम, जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध होता है। अब जैसे देखिए, पेड़, आम का पेड़ जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पेड़ ठीक है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। और हिमालय पर्वत? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुड, आप मतलब समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये कक्षा, हाँ सर, कक्षा शब्द जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक कक्षा सर, व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मतलब आपको पता हो रहा है कि कौन सा शब्द पूरे जाति का बोध करता है, कौन सा शब्द पर्टिकुलर उसी का ही बोध कर देता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मनुष्य, मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, पर्वत में सारे, नीलगिरी पर्वत, अरावली, अपने अरावली, उदयगिरी, नीलगिरी, शिवालिक, ये सारे आ जाएंगे पर्वत, किसमें? पर्वत में। लेकिन अगर कोई शिवालिक नाम लेता है तो वो सीधा कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वृक्ष, अभी सारे प्रकार के वृक्ष,
आम का वृक्ष बोलने से व्यक्तिवाचक में, पीपल का वृक्ष बोलने से व्यक्तिवाचक में, बरगद का वृक्ष बोलने से व्यक्तिवाचक में, लेकिन वृक्ष बोलने से जातिवाचक, जातिवाचक में। भारतीय, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है। देखिए भारतीय बोलने से हम सारे आ गए उसमें, है कि नहीं, ये आ गया जातिवाचक में। पुस्तक जातिवाचक, जातिवाचक कवि जातिवाचक, लेखक जातिवाचक, फूल गुलाब का फूल व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर, व्यक्तिवाचक। हाँ, और सिर्फ फूल होने सर, बोलो जातिवाचक सर, सर एक इंसान का सर अगर सर नेम होगा तो सर ये जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा सर? कौन कौन सर, किसी इंसान का अगर सर सरनेम को, सरनेम को सर जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक सर? सरनेम अगर सरनेम होता है तो उस सरनेम के बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन सरनेम के साथ अपना नाम लगा कर आता है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ओके सर। अभी प्रियम नाथ, सिर्फ नाथ बोल दिया तो नाथ, नाथ वाले तो बहुत सारे लोग है ना? हाँ सर। नाथ ये शब्द उनके पूरे बिरादरी का बोध करता है, ठीक है नहीं? तो ये ऑटोमेटिकली जातिवाचक में जाएगा, लेकिन प्रियम नाथ बोलने से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गुड गुड गुड, चलो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ये भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म, मतलब ये पदार्थ क्या करता है, उसके अंदर कौन से गुण है, इस पदार्थ से हमें क्या फायदा लाभ तोटा जो भी है, जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म गुण दोष अवस्था व्यापार चेष्टा आदि भाव जाने जाते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे कोई फूल है, मान लो फूल की पंखुड़ियों को अगर हम छू कर देखते हैं तो हम क्या बोलते, बहुत कोमल है रे भाई, है कि नहीं, कोमलता। ये क्या है, फूल की, फूल का धर्म है, फूल का गुण है। अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया हमने कि बहुत ही ईमानदार है कि नहीं, उसकी ईमानदारी ये क्या है, उसका गुण है। झूठा, झूठा क्या है, उसका दोष है। बचपन ये क्या है, उसका अवस्था है। बुढ़ापा क्या है, उसकी अवस्था है। अगर देखिए क्रोध उसका व्यापार है, शूरता उसका व्यापार है, मतलब चेष्टा है कि वो शूर है, शूरता क्रोध बचपन मिठास। आम खाते हैं तो आम बोलते हैं आम बहुत मीठा है, ये मिठास क्या है, उसका गुण है। तो मतलब जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म, पदार्थ के गुण, पदार्थ के दोष, है कि नहीं, जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म गुण दोष अवस्था आदि भाव जाने जाते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। कोमलता है, मिठास है, बचपन है, क्रोध है, शूर है आदि। तो समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही ये उपभेद है, बच्चों ध्यान रखना है कि समूहवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर पूरे समूह, पूरे समुदाय के वाचक होते हैं, उन्हें समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, समूह का बोध होता है कक्षा से, कक्षा में एक ही लड़का, एक ही लड़की या एक किसी एक से कक्षा होती है क्या पूरी? नहीं सर, नहीं सर, हमारे विद्यालय नियमों के अनुसार हमारे कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चे होते हैं, 40 लोगों का एक, मतलब छात्रों का समूह एक कक्षा हो गई। सेना, अब सेना ये शब्द है, सेना में
एक ही सैनिक होता है क्या बंदूक लेकर? सेना बोल दिया तो सारे नहीं सर, संसद नहीं सर, जितने भी हमारे मेंबर है संसद मेंबर सारे है, संघ क्रिकेट संघ, क्रिकेट संघ बोल दिया तो सर कम से कम ये 11 खेलने वाले होते हैं प्लस 3-4 जो भी है अतिरिक्त खिलाड़ी। उसके बाद टोली, बानर टोली, अरे ये मंकी की टोली होती है ना सर, सर तो मंकी एक ही मंकी से टोली होती है सर, टोली सर नहीं। मंडली, मंडली में भी क्या होता है ना एक पूरा पूरा एक गोलाकार मतलब कि उस क्षेत्र के पूरे लोग आकर एक मंडल स्थापन कर देते हैं, इसमें एक से अधिक लोग होते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अपना जैसे विद्यालय का पुस्तकालय है कम से कम 5,000 से भी अधिक किताबें अपने विद्यालय पुस्तकालय में है, है कि नहीं? तो पुस्तकालय ये शब्द भी क्या हो जाएगा एक समूह का बोध कर रहा है इसलिए समूहवाचक है। आदि शब्द सेना हो, संसद हो, संघ हो, टोली हो, मंडली हो, पुस्तकालय हो, ये सारे शब्द क्या कर देते हैं समूह का बोध या समूह के वाचक होते हैं इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे चलो या रुको इधर, आगे चलना है सर, बोलो समझ में आया है या आगे चलो या रुकना है, कुछ पूछना है क्या? ना नहीं सर। ओके ओके ठीक है, चलो द्रव्यवाचक संज्ञा। आप द्रव्यवाचक ये अंतिम संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिनसे कोई वस्तु बनी है। आप बोलेंगे बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है द्रव्य बोल दिया तो उनको लगता है पानी तरल पदार्थ, इतना ही, ऐसा नहीं है। सोना चांदी लोहा ये भी द्रव्य है बच्चों, जिनसे कोई वस्तु बनती हो आप देखिए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा, लोहा से अनेक चीजें बनाई जाती है, टेबल ये लोहा से ही बना है, ये दरवाजा लोहा से बना है, ये हमारा पूरा टीना लोहा का है, मतलब लोहे से एक से अधिक पदार्थ बनाए जाते, ये चीजें बनाई जाती है, बनाई जाती है क्या नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, द्रव्य हो गया। फिर आप देखिए गोल्ड, सोना, सोने से भी अनेक गहने बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, लड़कियों को ज्यादा पता होंगे ये, है ना? हाँ सर, विभिन्न प्रकार के गहने होते हैं, कान में पहनने वाले, इधर नाक में पहनने वाले, गले में पहनने वाले, पैर में, हाथ में, विविध प्रकार के गहने, और वो किससे बनते हैं? सोने से बनते हैं। तो सोना क्या हो गया फिर? हमारा पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया सोना। चांदी, चांदी का भी वही गुणधर्म है, चांदी के माध्यम से भी हम विविध प्रकार की वस्तु गहने बना सकते हैं। तो खाने की प्लेट बनाते हैं लोग जिसमें चांदी के प्लेट में खाते हैं, बहुत मतलब अमीर भर के है ऐसा लगने लगता है ना। पानी, पानी भी हमारा द्रव्य है, पानी से भी विभिन्न चीजें बनती है, बिना पानी सब सुना रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुना पानी गए न उबरे मोती मानुस चुना। भाई पानी खत्म होते है, पानी को जीवन कहां गया है? पानी अगर नहीं है तो मुझे लगता है हमारी रोटी भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। कोई बोलता है क्या बिना पानी से हम रोटी बना सकते हैं? ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं सर, नहीं सर। तो पानी का महत्व है, घी, घी से हम लड्डू बनाते हैं, घी के लड्डू, तेल, मिट्टी आदि क्या है ये द्रव्य के रूप में आता है, इसीलिए इनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बना देंगे फिर? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करके उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त, बोलो युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध करती है तब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होकर जातिवाचक संज्ञा बनती है। अब देखें
व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कब बनती है जरा सुन लीजिए। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करके उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध करती है तब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उदाहरण आता है इसलिए मैं दे रहा हूं। आज भी हमारे देश में सीता और सावित्री का अभाव नहीं है। आप देखो बच्चों, वैसे देखा गया तो सीता राजा राम की पत्नी का नाम है, सीता है कि नहीं? तो सर है किसी व्यक्ति के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका इसका ये यहां सीता और सावित्री ये दोनों भी व्यक्तिवाचक नाम है बच्चों, लेकिन क्या कर दिया है ये व्यक्तिवाचक नाम होते हुए भी आज सीता जैसी अनेक स्त्रियां, सावित्री जैसी अनेक माताएं भारत देश में कार्य कर रही है। तो ये सीता सावित्री व्यक्तिवाचक रूप न रहकर वो जातिवाचक संज्ञा का रूप बन गए, क्योंकि सीता जैसे सीता के समान गुण वाली अनेक महिलाएं आज भारत में हैं, सावित्री जैसी अनेक महिलाएं अच्छे गुणों वाली स्त्रियां भारत में हैं, तो सीता और सावित्री अच्छे गुणों का अच्छे चरित्र का प्रतीक है और ऐसे अच्छे गुण और अच्छे चरित्र वाली महिलाओं की भारत में कमी नहीं है, इसलिए सीता और सावित्री ये शब्द यहां क्या हो गए जातिवाचक संज्ञा का रूप लेते हैं। दूसरा नंबर, उसकी बात पर विश्वास विश्वास करो बिल्कुल हरिचंद्र है। अब हरिचंद्र एक नाम है, राजा हरिचंद्र की कथा आपने सुनी होगी। क्या होता था ये राजा हरिचंद्र कभी भी झूठ बोलते नहीं थे, सत्यवादी थे, सत्य हरिचंद्र बोल के कथाएं प्रसिद्ध है। तो सत्य बोलने वालों की कमी है क्या? तो कोई सत्य बोलता है तो हम इसको हरिचंद्र, इसीलिए हरिचंद्र आज के वर्तमान में वो क्या होता है ये शब्द व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का रूप लेता है। वैसे कलयुग में अनेक विभीषण, ये विभीषण लंका के राजा रावण का भाई था। अब उसके गुणों की खासियत क्या है, अपने भाइयों को धोखा देने वाला इस नाम से जाना जाता है, बस है कि नहीं? तो आज कलयुग में अपने भाइयों को धोखा देने वाले लोग कमी है क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्या हो गया ये शब्द व्यक्तिवाचक रूप से लेकर जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जयचंद सेम ऐसे उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न करके किसी व्यक्ति विशेष का बोध कर रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। देखिए गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, ये देखिए जातिवाचक संज्ञा, ये जाति का बोध न करके किसी व्यक्ति विशेष का गांधी, ये शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष का संपूर्ण जाति का बोध तो नहीं हो रहा है उससे, ये गांधी शब्द से महात्मा गांधी के लिए ही ये शब्द प्रयोग हो गया, इसीलिए गांधी शब्द से गांधी। अभी जैसे प्रियम ने पूछा था कि सर सरनेम से तो पूरे जाति का बोध होगा ना, ओके गांधी गांधी भी इनका सरनेम था तो सारे जाति का बोध होना चाहिए था ना, नहीं है, गांधी ये शब्द जातिवाचक होकर भी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया और वो गांधी जी महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा न कहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का
निर्माण किया। जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध करती है तब भी वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ये मकान कई प्रकार के पत्थरों से बना है, द्रव्यवाचक पत्थर की क्या है। देखिए जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। पत्थरों, अभी पत्थर के भी विविध प्रकार होते हैं तो ये पत्थरों शब्द किसी एक मतलब पत्थर की जाति का बोध करा रहा है। पत्थरों ये शब्द द्रव्य होकर भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। साधारणतया जातिवाचक संज्ञा प्राय एकवचन और बहुवचन दोनों में होती है। तो चलो बॉयज, ये थोड़ा समय आपका टाइम नहीं लूंगा मैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। मेन सबसे महत्वपूर्ण है कि संज्ञा किसे कहते हैं आपके लिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। एक पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सारा देखिए, गंगा हमारी पवित्र नदी है, गंगा हमारी पवित्र नदी है। ये गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। स्टील से बर्तन बनते हैं, बर्तन ये जातिवाचक संज्ञा का रूप है, और स्टील द्रव्यवाचक संज्ञा। वर्तमान में सोना, सोना कौन सा है, कौन सी संज्ञा है सोना, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे आगे है योग्यता, भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। तो चलो बॉयज, टाइम हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ओके, कितने लोग हैं, पहले देख लेता हूँ कि कितने लोग हैं सारे। ओके ठीक है, ओके बॉयज, सबको बोलो ज्वाइन होने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।